नेम हमसे पूछे जाते हैं। ओके जी, तो जब हमारे से प्लैनेट्स के नेम पूछे जाते हैं, हमें प्लैनेट्स के नेम जो हैं वो हमारे जहन से निकल जाते हैं, हमें नहीं पता चल रहा होता कि प्लैनेट्स जो हैं वो इनके नेम किस किस तरह से हैं, ठीक है, किस किस तरह से हम जो है वो नेम याद रखेंगे। तो एक हम जो है वो पहले फ्रेज को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमें ये याद रहते हैं या नहीं रहते हैं। एक लाइन आपने समझनी है, याद रखनी है, माई वेरी एजुकेटेड आंट, बल्कि इसे मदर, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ठीक है जी। अब जो है वो ये वाली, अगर आपको जो है एक सिंपल सी स्टेटमेंट समझ में आ गई, तो आपको जो है वो ये सारे के सारे प्लैनेट्स के नेम जो है वो समझ में आ जाएंगे और आपको ये भूलेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो माए में, अगर आप गौर करें तो माए से हमारे पास एम जो है वो ये मरकरी के लिए है, वी हमारे पास वीनस के लिए है, एजुकेटेड का जो ई है ये हमारे पास अर्थ के लिए है, और माए वेरी एजुकेटेड मदर, मदर का जो है वो एम हमारे पास मार्स के लिए है, जस्ट जो है वो जुपिटर के लिए है, एस फॉर हमारे पास जो है वो सैटर्न के लिए है, अस में जो है वो यू हमारे पास जो है वो यूरेनस के लिए है, और एन हमारे पास जो है वो नेपच्यून के लिए है, ठीक है जी। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नॉडल्स, तो इसमें हमें ये जो है वो समझ में आया कि प्लैनेट्स के नेम जो है वो हमें तरतीब से सारे के सारे पता चल गए। ये हम जो है हमने देखा है इनकी तरतीब को, ये सूरज के से जो करीब है सबसे ज्यादा, उस तरतीब से हमने इनको समझने की कोशिश किया। तो क्या आपको ये समझ में आ गया कि जो हम समझाना चाह रहे हैं, आपको पता चल गया प्लैनेट्स के नेम्स का जो है, कि प्लैनेट्स के नेम हमें किस तरह से समझने हैं। इस चीज को आप आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, इस स्टेटमेंट को रिप्रोड्यूस करके, इस स्टेटमेंट को दोबारा से लिख के आप जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, ताकि हमें पता चले माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, जिसमें हमारे पास माई का एम जो है वो हमारे पास किसके लिए है, मरकरी के लिए है, वी हमारे पास वीनस के लिए है, एजुकेटेड का ई हमारे पास अर्थ के लिए है, मदर का एम जो है वो मार्स के लिए है, और जस्ट जो है वो जुपिटर के लिए है, सर्व्ड अस नूडल्स तो ये इसके लिए, ठीक है जी। आई एम श्योर कि आपको ये चीजें जो है वो समझ में आ गई। हम जो है ओके जी, कुछ सेकंड्स दीजिएगा, हम मेन स्क्रीन पर चलते हैं, हम दूसरी स्क्रीन पर जाने की कोशिश करते हैं, और वहां पे कोशिश करते हैं कि चीजों को ढंग से ज्यादा अच्छे से बड़ी स्क्रीन पर समझ सकें। इसकी सेटिंग्स मुझे कुछ तब्दील करनी पड़ेंगी, ताकि हम जो है स्क्रीन जो है उसको उसकी शेयरिंग सके। ओके जी, सो ये आज ओके, हाँ अब हम जो है वो अपना व्हाइट बोर्ड शेयर कर पा रहे हैं, और आई एम श्योर कि अब आपके सामने जो है वो बड़ी स्क्रीन विजिबल होगी, ठीक है। सो हम जो है वो बेसिकली दूसरी ट्रिक जो है वो समझने की कोशिश कर रहे थे, और हमने अभी तक ये समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से हम जो है वो दो चीजों को अभी तक हम समझ चुके हैं। पेपर्स में जब भी बात करते हैं, ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे सामने बड़े इजी से होते हैं, और उन्हें हमें उसी वक्त जो है वो इजी से मुराद ये है कि हमें बस यही बताना होता है कि अच्छा ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी। कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो टेस्ट ऑफ मेमोरी हैं, जो और मेमोरी के टेस्ट को आप किस तरह से तैयार करेंगे, आप इन्हें इसी सूरत में इसी तरह से तैयार कर सकते हैं जब आप किसी न किसी ट्रिक के साथ जो है वो उन्हें एसोसिएट करते हैं, किसी न किसी ट्रिक के साथ उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप किसी ट्रिक के साथ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो हम सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशंस को, क्या होता है यूनाइटेड नेशंस, क्या आप में से किसी को पता है यूनाइटेड नेशंस जो है वो किस इदारे का नाम है, और इसका रोल क्या होता है, कब बना था यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस को कोई बता सके कि यूनाइटेड नेशंस का जो हेड ऑफिस है ये कहाँ पे है, यूनाइटेड नेशंस जो है चैट बॉक्स में बताइए जरा, आपको इसका आइडिया है यूनाइटेड नेशंस जो है वो। वेरी गुड, 1945 से आप में से काफी स्टूडेंट्स जो है वो उनको चीजों का आइडिया है। अच्छा, आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स ये जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो होती है इसकी कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं,
क्या आप जानते हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं? फ्रेंच है, अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, रशियन है, स्पेनिश है। ठीक है, वेरी गुड। हम जो हैं यूनाइटेड नेशन की आज जो है वो ये छह की छह लैंग्वेजेस को समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए जो है वो हमें एक वर्ड जो है वो एक याद करना है, FACERS, फेसर्स के नाम से हम इसे कह सकते हैं, FACERS। ये हमारे पास इसकी छह लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम याद करेंगे। द वर्ड क्या है हमारे पास, FACERS, फेसर्स के नाम से। यहाँ पे हमारे पास जो पहली लैंग्वेज इसकी है वो है फ्रेंच, जो इसकी अपनी लैंग्वेज है। दूसरी हमारे पास जो है आउटसाइडर्स आर अलाउड। क्या मतलब आउटसाइडर्स आर अलाउड, क्या मतलब मैं समझा नहीं। सब अनवर सर भाई, यहाँ पे कौन सा चाय चल रही है, सभी अलो है। ठीक है जी। तो दूसरी लैंग्वेज हमारे पास जो है वो अरेबिक है। ठीक है, तीसरी लैंग्वेज हमारे पास डेफिनेटली सी स्टैंड फॉर चाइनीज, सो चाइनीज होगी। और ई हमारे पास जो है वो स्टैंड करता है इंग्लिश के लिए। ठीक है जी, इंग्लिश के लिए। और आर हमारे पास स्टैंड करता है रशियन के लिए। ठीक है जी, और एस हमारे पास स्टैंड करता है स्पैनिश के लिए, स्पैनिश के लिए। तो हमें जो है यूनाइटेड नेशंस की छह लैंग्वेजेस जो हैं उनका पता चल गया कि छह लैंग्वेजेस कौन सी हैं, और उनको याद करने के लिए हमने एक बड़ा आसान सी जो है वो ट्रिक समझने की कोशिश की है। और वो ट्रिक हमारे पास, हमें इसको याद करना है, FACERS, फेसर्स को। वो मुझे यकीन है कि आपने याद कर लिया। सो जिनको ये वाली हमारी सारी के शरीर के ऊपर जो डिटेल्स मैंने दी है ये वाली याद हो चुकी है, पूरा चैट बॉक्स में जरूर लिखे कि हमने ये चल तो हमने ये समझाने की कोशिश की इस बॉक्स में। यूनाइटेड नेशंस की जो लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में हमने डिस्कस करने की कोशिश किया। ओके जी, वंडरफुल जी। आज देखेंगे कि हम जो है कितने पार्टिसिपेंट्स को अभी जो है वो याद करवाने की कोशिश करते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि याद नहीं कर पाते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो है आप मुझे ये बताइएगा कि G20, जब हम कहते हैं G20 कंट्रीज, तो ये कौन से वाली कंट्रीज होती हैं? जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हम लोग अक्सर देखते हैं, अक्सर ये कहते हैं G20 कंट्रीज, तो कौन से वाली कंट्रीज हैं जिन्हें हम G20 कंट्रीज के नाम से जो है वो जानते हैं? ये G20 कंट्रीज हैं वो ये कौन सी कंट्रीज होती हैं? द ग्रुप ऑफ 20, जी स्टैंड फॉर ग्रुप ना, G20 कंट्रीज। सो ये कौन सी कंट्रीज है, ये कौन सी कंट्रीज है? एक ऐसा मुमालिक का ग्रुप है जो के गैदरिंग कहते हैं, लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं मिलके बनती हैं। और ये जो हमारे पास G20 कंट्रीज का ग्रुप है, हमें इनके नेम 20 के 20 याद होने चाहिए, लेकिन हम लोग परेशान हो जाते हैं कि हम इतने बड़े जो है वो नेम को कैसे याद करेंगे। तो G20 के मुतल्लिक जो है बाज़ूकात किसी भी कंट्री का नेम आ जाता है और पूछ लिया जाता है कि क्या ये G20 की फहरिस्त में फॉल करती है या नहीं। इसके लिए जो भी हम अभी क्राइटेरिया जो है वो बनाने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, इसमें मुमकिन है ये बड़ा रिडिकुलस हो, बड़ा मुझक्का खेज हो, लेकिन डेफिनेटली हमने समझने के लिए जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमें 20 के 20 ममालिक के नाम जो है वो आ जाए। ठीक है जी। हम जानते हैं कि चौसर बहुत बड़ा गुरु था। ठीक है, अब जो है वो GURU, गुरु जी, SITA, सीता, अब SSC, FCI, में, यहां तक तो हो गए हमारे पास कंट्रीज के नाम। कहानी मुकम्मल करने के लिए लिख देते हैं जॉब करती है। ठीक है जी। यानी कि गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। ये स्टेटमेंट हमने याद करने की कोशिश की। 5 सेकंड्स ले लीजिए और बताइए जिसको ये स्टेटमेंट याद हो जाती है, ताकि हम G20 कंट्रीज 20 ममालिक के नाम को याद कर सकें। जिनको याद हो जाती है ये छोटी सी स्टेटमेंट, वो जरा डन लिख दें चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये आपको याद हो गई है। ठीक है जी। किसी को भी नहीं याद हुई गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है? गुड। ओके जी, अब हम जो हैं आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब हमने जो है वो जो गुरु को लिखा जी, हमने लिखा तो जी हमारे पास यहाँ पे स्टैंड करता है जर्मनी के लिए। ठीक है जी, जी स्टैंड करता है जर्मनी के लिए। अब हमने यू जो है वो हमारे पास, यू स्टैंड करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, USA के लिए। ठीक है, हमारे पास
तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो आर है, आर स्टैंड करता है रशिया के लिए, ठीक है, रशिया के लिए जो है वो हमारे पास स्टैंड करता है, ठीक है जी। अब हमारे पास जो है वो यू दोबारा से आ जाता है, यू हमारे पास स्टैंड करता है किसके लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए, यूके के लिए। हमें चार कंट्रीज के नाम याद हो गए, जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। जी, जे जो है वो हमारे पास स्टैंड करता है जापान के लिए, ठीक है जी। आई हमारे पास स्टैंड करता है हमारे तारीखी, और खैर ये यूट्यूब पर भी वीडियो जानी होती है तो सेंसर कर देते हैं, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के, ठीक है जी। सो गुरु जी, अब सीता जो है वो एस आई टी है, तो अब हमारे पास जो है वो एस स्टैंड करता है सऊदी अरेबिया के लिए। और इसके बाद हमारे पास जो है वो आई स्टैंड करता है दोबारा से इंडोनेशिया के लिए, ठीक है जी। और अब हमारे पास आ जाता है टी, टी स्टैंड करता है हमारे पास टर्की के लिए। हाँ जी गुरु जी, सीता। अब ए हमारे पास स्टैंड करता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए हमारे पास स्टैंड करता है। और अब जो है वो हमारे पास, अब दोबारा से हमारे पास ए आ गया, ए हमारे पास स्टैंड करता है अर्जेंटीनिया के लिए। और बी जो है वो हमारे पास स्टैंड करता है ब्राजील के लिए। जी स्टैंड ग्रुप का 20 ग्रुप है इकोनॉमी के लिहाज से है, तो ये पूछा जाता है कि क्या ये कंट्री इस ग्रुप में फॉल करती है या नहीं करती, तो हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे इसे वंस इन ए सिंगल गो समझ लेंगे। अच्छा जी, अब हमारे एस एस सी है, तो एस हमारे पास जो है वो स्टैंड करता है यहाँ पे साउथ अफ्रीका के लिए। मैं जरूर वो लोग देखना चाहूंगा जिन्हें G20 की फेरिस्ट, जैसे ही मैं खत्म करूँ तो वो ये कहें कि सर हम मुझे आती है, भले आप मुझे अनम्यूट कर लें, मैं आपको ये कंट्रीज के नेम बता सकता हूँ कि GURUJI से और ये किस किस के लिए स्टैंड करती हैं। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं मेरा यकीन है, और मैं जरूर देखना चाहूंगा कि ऐसे कौन से लोग हैं। SSC में हमारे पास जो है वो है साउथ, हमारे पास है साउथ कोरिया के लिए, ठीक है जी। अभी तक हमने समझ लिया कुछ गुरु जी सीता, ठीक है जी, गुरु जी सीता। अब SS तक हम आ गए हैं, ठीक है जी। अब हमें सी को समझना है, तो अगर हम इन कंट्रीज को जो हमने एक फ्रेज बनाई है उसके मुताबिक कर दें, तो यहाँ पे पहली स्पेस आएगी और जे आई के बाद यहाँ पे स्पेस आ जाएगी, और सीता के नाम के बाद जो है वो यहाँ पे स्पेस आ जाएगी, और अब के बाद जो है वो यहाँ पे स्पेस आ जाएगी, ठीक है जी। गुरु जी सीता, अब SSC, सी हमारे पास जो है कैनेडा के लिए स्टैंड करता है। और अब हम यहाँ से ही आगे चले जाते हैं, चाहे हमारे पास जगह जो है वो यहाँ पे सामने आ जाए। सो कनाडा तक हो गया, अब हमारे पास एफ है, तो डेफिनेटली एफ किस कंट्री को जाहिर करता है, फ्रांस के लिए जो है वो हमारे पास है, एफ फ्रांस के लिए होगा। और फ्रांस के बाद अब हमें, अच्छा जी नेक्स्ट यहाँ पे हम जो है वो समझना चाह रहे हैं, अब हमारे पास सी, एफ सी आई, सी हमारे पास यहाँ पे है चाइना के लिए, ठीक है जी। सो सी हमारे पास चाइना के लिए है। और अब इसके बाद हमारे पास क्या है, आई जो है, आई हमारे पास सेंड करता है इटली के लिए। सो 18 हो गए, अब हमें दो और जो है वो समझने हैं, तो दो और में हमारे पास क्या है, एम सेंड किसके लिए करता है, मेक्सिको के लिए, ये हमारे पास जो हो गया एम। और उसके बाद अब जो है वो हमारे पास एक और है लास्ट पे, ई जो है वो ई हमारे पास है यूरोपियन यूनियन के लिए, ठीक है जी। सो ये हमारे पास है यूरोपियन यूनियन के लिए। सो अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास जो है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं ताकि सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, ये थोड़ा सा यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, और आई थिंक अब आपको जो है वो शायद ये मुकम्मल नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। सो अब हम जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम जो है वो इस पे प्रोसीड फर्दर करेंगे, किस तरह से हम इस पे मूव ऑन करेंगे। सो ये हमारे पास जो है वो कंट्री है। सर बोर्ड एक्टिविटी शो नहीं हो रही, ब्लैंक ही है,
ओके बोर्ड एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं शो हो रही किसी के पास, मेरे पास तो ये हो रही है, हमारे पास तो ये बड़ा वाजे है। ठीक है सर, आई थिंक आपके साथ कोई इशू होगा एंड दैट इज द रीजन के आपके सामने ये नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अभी कुछ जो है वो मिक्स हुआ होगा अभी डेफिनेटली, क्योंकि हमारे जो है बोर्ड जो है वो पिछले वाला भी सामने आ गया होगा आपके इसी चक्कर में कि हमने कहा चलें चेक कर लें कि ये इश्यूज है, तो वो हमें ये आ रहा है। ओके, अब हमें थोड़ा सा समझना है तो अच्छा जी, खैर हम जो हैं वो जो चीज़ समझने की कोशिश कर रहे थे, हमने बोर्ड की एक्टिविटी देखने के चक्कर में सब कुछ ही मिक्सअप कर दिया ये। अब शायद हम जो हैं वो इसको अब हम गुम भी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन चलिए हम ऐसे कर लेते हैं, साइड पे कर लेते हैं। अब ये साइड पे आपको यकीनन समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा साइड पे नजर आ गया होगा, इसको साइड पे हमने करने की कोशिश किया। वेल जी, एक सिंपल सी स्टेटमेंट हमने दी थी और वो थी हमारे पास गुरु जी सीता, अब SS, अब SFC क्या हो गया, व्हाइट बोर्ड की सत्यानाश ही हो गया हमारे का तो। ठीक है, अच्छा जी, हम थी गुरु जी सीता, अब SSC FCI में जॉब करती है। सो ये मुझे बताइएगा जरा, मेक इट श्योर कीजिएगा कि यहाँ पे हम जो है वो ये सारी की सारी थी। अब इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो जी जर्मनी के लिए स्टैंड करता है, तो जी के अलावा जो है वो बाकी चीजें जरा बताइए कि अब जो है वो व्हाइट बोर्ड मैंने क्लियर किया है, अब मुझे बताइए जरा कि जी जी किसके लिए स्टैंड करता है इस पूरी की पूरी G20 कंट्रीज में, जरा चैट बॉक्स में बताइए। जी स्टैंड फॉर वॉच, जर्मनी के लिए, गुड। यू किसके लिए स्टैंड करता है, यू किसके लिए स्टैंड करता है, USA के लिए। ठीक है जी, और हमारे पास आर किसके लिए स्टैंड करता है, UK के लिए स्टैंड करता है, आर क्या, रशिया के लिए। और एंड पे जो यू है ये किसके लिए स्टैंड करता है, गुड जी। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है वो हमारे पास बताइएगा कि ये हमारे पास जो जे है ये किसके लिए स्टैंड करता है, जे जे किसके लिए स्टैंड करता है, जे, वेरी गुड, जापान के लिए स्टैंड करता है। आई किसके लिए स्टैंड करता है, आई किसके लिए स्टैंड करता है, आई इंडिया के लिए, इंडिया के लिए जो है वो स्टैंड करता है। ठीक हो गया जी, गुरु जी सीता में। अब हमारे पास एस किसके लिए स्टैंड करता है, एस एस किसके लिए, वेल्डन, सऊदी अरेबिया के लिए। और अब दोबारा सीता का जो आई है वो किसके लिए स्टैंड करता है हमारे पास, आई, अब सीता का जो आई है वो इंडोनेशिया के लिए स्टैंड करता है। ठीक हो गया जी, अब ये टर्की को टी जाहिर करता है और सीता का जो ए है वो ऑस्ट्रेलिया को जाहिर करता है। ठीक है जी, आई एम श्योर आपकी एक्टिविटी से मुझे लगता है कि आपको सब चीजें यहाँ तक क्लियर हैं। अब हमें 6 लैंग्वेज भी याद हो गई फिसल्स के नाम से, अभी हमें गुरुजी सीता अब FCI में जॉब करती है वो भी याद होगी। अच्छा, वो पार्टिसिपेंट बताएंगे जिन्हें जो है वो अब G20 कंट्रीज के 20 के 20 ममालिक के नाम भी याद हो गए हैं, और जिन्हें 6 की 6 लैंग्वेजेस भी याद हो गई हैं, जिन्हें प्लैनेट्स के नाम्स भी याद हो गए हैं, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, और जिन्हें जो है वो ये भी पता हो गया कि गजवात जो है वो उन्हें किस से याद रखना है। तो हमारे पास कितने ऐसे एक्टिव माइंड हैं जिन्हें ये तमाम डिफिकल्ट चीजें जो है वो याद हो चुकी हैं। जी ओके, सो हमारे पास जो है वो कितने ऐसे लोग हैं। ओके, दैट्स फाइन। ओके जी, माशाल्लाह हमारे पास जो है वो काफी हैं। अच्छा जी, एक और आगे जो है वो ट्रिक से याद रखते हैं कोशिश करने की, कुछ ये जो हम ट्रिक्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर कर रहे हैं इन्हें यकीनन आप याद रखेंगे। और हमारे पास जो है वो एशियन कंट्रीज का किस किस को पता है, ये नहीं पूछ रहा हूँ कि हैं कौन कौन से, बस ये मुझे बता दें कौन कौन जानता है, किस किस ने ये वर्ड पहले सुना हुआ है, एशियन कंट्रीज कौन सी होती हैं, कि कुछ ऐसी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं एशियन कंट्रीज जो है वो। अच्छा, अब ना एक फ्रेज याद करेंगे आप हमारे साथ जो है वो, ठीक है,
टीवी तो आप में से सभी देखते रहते हैं, ठीक है, बल्कि कौन नहीं देखता है। सो हम अभी याद करेंगे टीवी क्लिप ऑफ MBBS, ठीक है जी, टीवी क्लिप ऑफ MBBS। सो जिसको ये याद हो जाए वो जरा डन लिख दे कि मुझे याद हो गया है कि टीवी क्लिप ऑफ MBBS लाइन जो है वो मैंने इसको याद कर लिया। टीवी क्लिप ऑफ MBBS जो है वो याद हो गया, डन हो गया। जिसको याद हो गया वो टीवी लिख दे ताकि पता चल जाए ये पीछे डन तो नहीं चले जा रहे। गुड 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 गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा जी, अब हमने उसी तरह से जिस तरह से हमने सीता की रूह को जो है वो सवाब पहुंचाया है, इसी तरह से अब हम जो है वो एशियन कंट्रीज के नाम याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे टी हमारे पास जो है वो स्टैंड करता है थाईलैंड के लिए, वी हमारे पास जो है वो स्टैंड करता है वियतनाम के। ये एशियन कंट्रीज जो है वो हम उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी, वियतनाम के लिए। सो टीवी हमारे पास हो गया। अब हमें क्लिप जो है वो टीवी क्लिप ऑफ MBBS। सो सी किसके लिए हमारे पास होता है, कैम्बोडिया के लिए, और हमारे पास जो है वो टीवी क्लिप एल अब हमारे पास आ गया। एल हमारे पास है LAOS लैस के लिए, और इसके बाद हमारे पास है टीवी क्लिप CLI। अब हमारे पास जो है वो स्टैंड करेगा इंडोनेशिया के लिए, और इसके बाद हमारे पास जो है वो पी पी हमारे पास स्टैंड करेगा फिलीपींस के लिए। टीवी क्लिप, टीवी क्लिप, अच्छा जी, टीवी क्लिप ये ऑफ जो है वो सिर्फ आपके समझाने के लिए है, ठीक है, टीवी क्लिप। सो इसको हम जो है वो यहाँ पे अब नजरअंदाज करेंगे। आगे हमारे पास है MBBS। सो एम हमारे पास जो है वो यहाँ पे है मलाशिया के लिए, बी हमारे पास है बर्मा के लिए, बी दोबारा से हमारे पास है ब्रुनाई के लिए, और एस हमारे पास है सिंगापुर के लिए। ओके जी, सो ये हमारे पास जो है, हमने ये समझने की कोशिश की है कि एशियन कंट्रीज के नेम जो है वो हमने कैसे याद करने हैं, एशियन कंट्रीज जो है। अच्छा जी, सवाल ये है एशियन का मतलब क्या होता है, आज का क्वेश्चन है जी। आज का एशियन जो है ये बेसिकली एब्रीविएशन है साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप है जिसका मकसद ये है कि हमने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कॉपरेशन को आपस में बेहतर बनाना है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो ये कंट्रीज हैं। हाँ जी, ये मुख्तलिफ ग्रुप हैं अरसलान साहब, ग्रुप हैं, और ये मुख्तलिफ ग्रुप इसके अंदर जो है वो शामिल हैं हमारे पास जो है, ठीक है। ओके जी, हमारे पास जो है वो एसोसिएशन है इनके कॉपरेशन के लिए, कॉपरेशन के लिए कंट्रीज के जो है वो ये 1967 में जो है वो ये बनी थी एशियन नेशंस जो है वो, ठीक है जी। सो ये मेंबर स्टेट्स हैं उसके लिए जो है वो, ठीक है जी। सो यहाँ तक जो है वो हमें पता चल गया इन तमाम चीजों का, हमें एशियन कंट्रीज का पता चल गया। तो अब जिन्हें जो है वो टीवी क्लिप MBBS, टीवी क्लिप ऑफ MBBS पता चल गया है और एशियन कंट्रीज जो है वो पता चल गई हैं, वो तो चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपकी आसानी के लिए। नेक्स्ट ही आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो है वो हमारे पास जो अगला टॉपिक है, चूंकि MBBS को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो MBBS से ही जो है वो हम एक और टर्म याद करने की कोशिश कर देते हैं, MBBS पेन। MBBS आपको पता है जब भी डॉक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं तो ऑब्वियसली एक पेनफुल प्रोसेस है MBBS को पास करना, एंड ऑल द थिंग्स दे आर क्वाइट डिफिकल्ट। सो हम लोग अभी जो हम समझना चाह रहे हैं, जो याद करना चाहते हैं, अब हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन को समझना चाहते हैं जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं, सार्क के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। सो सार्क हमारे पास जो है वो कौन बताएगा कि सार्क जो है वो क्या होता है, बड़ा इजी है, इवन पाकिस्तान भी इसका पार्ट है, तो इसलिए मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि
आपको ये पता होना चाहिए सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है, साउथ एशियन कॉपरेशन, ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये सार्क है, ठीक है, जनूबी एशियाई इलाकाओं की ताउन की तंजीम जो है, ठीक है। सो इसको जो है वो हमने अब जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो शामिल हैं। तो हमने जो है वो टर्म तो पहले ही इसके लिए जो है वो याद कर ली, वो हमारे पास MBBS स्पेन है। यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर, ओके जी, ये हम जो है वो कुछ पुरानी चीजें जो हैं वो आ गई, इनको हम डिलीट कर देते हैं। ओके जी, ओके जी, यहाँ पे M हमारे पास जो है वो स्टैंड करता है, ये हम लाइन जरा दोबारा से यहाँ से कॉपी करना चाहेंगे ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। M हमारे पास स्टैंड करता है मालदीव के लिए, ठीक है जी। सो मालदीव के लिए हमारे पास जो है वो ये स्टैंड करता है M, और B हमारे पास स्टैंड करता है हमारे बांग्लादेश के लिए, हमारा ही था ना, चला गया है, दूर हो गया। सो बांग्लादेश के लिए MBB, और अब दोबारा जो है वो B हमारे पास जाहिर है किसको एक्सप्लेन करता है, ये करता है बोचान को, ठीक है जी, बोचान को। अब S हमारे पास है, S किसको जाहिर करता है, श्रीलंका को। श्रीलंका तो आप सभी जानते होंगे, श्रीलंका के साथ पिछले दिनों हमारे कुछ तलख वाकयात हो गए थे, और बदकिस्मती से जो है वो प्रियंका कुमार जो हैं वो एक मोब जो है उनकी उन्होंने उनको जो है वो मार दिया था किसी वजह से, और वो वजह भी आप जानते हैं कि क्या थी। वेल, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो MBBS, और उसके बाद हमारे पास स्पेन है, स्पेन में हमारे पास जो है वो P इज पाकिस्तान, आखिरकार हमारा कंट्री भी आ गया, और A हमारे पास जो है वो अफगानिस्तान के लिए, ठीक है जी, A हमारे पास अफगानिस्तान के लिए है, I वंस अगेन फॉर इंडिया, और N फॉर जो है वो नेपाल के लिए। सो हमें ये भी समझ में आ गया कि सार्क जो है वो कंट्रीज के जो ममालिक हैं, ये 8 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, और इनमें हमारे पास जो है वो MBBS स्पेन जो है वो हमारे पास इसकी है तंजीम जो है वो ये इसके मेंबर्स हैं। इसको सार्क MBBS स्पेन भी कर सकते हो, एक और भी इसका जो है वो शॉर्ट बन सकता है, आप कुछ भी बना सकते हो, खैर अपनी MBBS भी इसका हो सकता है, ठीक है, वो भी ये सारी के सारी कंट्रीज के नेम जो है वो कवर कर जाते, ठीक है। हाँ जी, अरसलान साहब सही कह रहे हैं आप, ठीक है जी। सो ये हमारे पास जो है वो यहाँ तक अब हमने कवर किया, अब हम आज का आखिरी जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, मुश्किल जो हमारे पास नेम होते हैं जो हमें याद नहीं रहते हैं। सो अब हम जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे G7 कंट्रीज को, ये क्या आ जाता है, सभी को क्लियर करते हैं। हमारा सेशन चूंकि ये 40 मिनट का होता है GK का, हम नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, और मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन में जो हमारी डिस्कशन हुई है उसे यकीनन कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी कि क्या चीजें जो है वो किस तरह से चल रही हैं और किस तरह से आप अपने पेपर में इन तमाम चीजों को याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वही इशू है, ठीक है। अच्छा जी, तो वंस अगेन याद रखने के लिए हम जो है वो कुछ भी ट्रिक जो है वो बना लेते हैं। मुमकिन नहीं है कि जहां पे भी हम गर्लफ्रेंड को यूज करें तो वो गर्लफ्रेंड किसी बॉय के साथ ही हो सकती है, वो हो सकता है कि किसी गर्ल के साथ भी जो फ्रेंड होती है वो उसकी गर्लफ्रेंड ही होती है, ठीक है जी। अब जो है वो जूस विद GF, इसको जो है वो हम कर लेते हैं G7 कंट्रीज को समझने के लिए, ठीक है जी। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे JUICE जूस विद GF जो है वो अगर हम करते हैं तो जूस हमें हमारे पास J जो है वो यहाँ पे स्टैंड करता है जापान के लिए, U हमारे पास स्टैंड करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, I हमारे पास स्टैंड करता है इटली के लिए, C हमारे पास स्टैंड करता है कनाडा के लिए, और हमारे पास E जो है वो स्टैंड करता है यूनाइटेड किंगडम के लिए, यानी कि इंग्लैंड के लिए, ठीक है जी, इंग्लैंड के लिए, और G हमारे पास जो है वो स्टैंड करता है यहाँ पे जर्मनी के लिए,
और एफ हमारे पास जो है वो स्टैंड करता है फ्रांस के लिए, ठीक है जी। सो ये हमारे पास G7 कंट्रीज के नेम है। तो आज के सेशन में हमने जो है वो G7 कंट्रीज को समझा। इससे पहले हमने जो है वो समझने की कोशिश कंट्रीज के नेम को, उससे पहले हमने वो समझने की कोशिश की एशियन कंट्रीज के नेम्स क्या हैं, उससे पहले G20 कंट्रीज के नाम को समझा, पहले हमने जो यूनाइटेड नेशन हमने प्लैनेट के नेम्स को समझने की कोशिश की, उसमें जो है वो हमने गजवात और जंगों के नामों को समझा। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव लर्न टुडे। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन दैट इज देयर इन योर माइंड, अपने सवालात को जरूर पुट कीजिएगा। आज का हमारा जीके का सेशन यहीं तक है, यहीं से प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सेशन में और समझने की कोशिश करेंगे। कल बैच 16 के जो स्टूडेंट्स हैं, चूंकि उनकी उनका अपना टेस्ट होगा, तो ऑब्वियसली कल तो हमारी क्लास नहीं है, आज आपका जो है वो टेस्ट नहीं हो सका, आपका कल होगा, और बाकी डेफिनेटली बैच 15 के साथ उनके टाइम में क्लास होगी इंशाल्लाह। फर्स्ट टू लाइंस आपने रिपीट में कर देता हूँ, आपने लेट तो नहीं ज्वाइन किया था अलीना जी? मैं कर देता हूँ, हमारे पास जो है उसके लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, हमारी मीटिंग कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाएगी, लेकिन जहां तक मैं लिख सका मैं जरूर लिख देता हूँ। हमने इसमें आपसे रिक्वेस्ट की, आप करेंगे BURK, बी यहाँ पे है बदर के लिए, यू है औहद के लिए, आर रजी के लिए, और के खंदक के लिए, बुरक, एच के यहाँ पे ये हमारे पास हुदीबी और खैबर के लिए है, और हमारे पास HT यानी कि हुनैन और तबूक के लिए, ठीक है, ये HT है, ठीक है। मैं दोबारा बता दूं, बदर, यू ओहद, आर रजी, के खंदक, एच हुदीबिया, के खैबर, यहाँ पे एच हुनैन और टी तबूक के लिए, ठीक है जी। सो विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी गुड लक आपके एग्जाम्स के लिए। May Almighty Lord of Heavens bless all of you. I'm sure कि आपको काफी चीजों की समझ आई होगी, काफी चीजों को अपने ढंग से समझने की कोशिश की होगी। So इस उम्मीद के साथ सुबह इंशाल्लाह सुबह के क्लास में आपसे मुलाकात होगी। Till then take care of yourself.